मेरे हर दे, मेरे हर दे, मेरे हर दे। भाग एक, भोला हरदेव। अलौकिक छटा थी, अलौकिक नजारा, धरा पे जब उतरा मधुर रूप प्यारा। जिसने भी देखा यही मुख से निकला, ये नूरानी चेहरा है दुनिया से न्यारा। फाल्गुन के महीने में जब प्रकृति वसंत ऋतु से धरती का नवश्रृंगार कर रही थी, फिजाओं में ताजगी छाई हुई थी, दिशाएं पुष्पित कलियों से सुगंधित हो रही थी, ऐसे खुशनुमा मौसम में 23 फरवरी सन 1954 मंगलवार को शाम 5 बजे दिल्ली में पिता गुरबचन सिंह जी और माता कुलवंत कौर जी के आंगन में दिव्य आभा लिए एक बालक का जन्म हुआ। इस नए मेहमान के शुभागमन से सब जगह खुशी की लहर दौड़ गई। सारा वातावरण नव उल्लास से भर गया। घर आंगन नई रोशनी से जगमगाने लगा। चहु और बधाइयों के स्वर गूंजने लगे। बालक के चेहरे का अलौकिक नूर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। दादा निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी, जो कि मिशन के तत्कालीन सदगुरु थे, जिन्हें सभी शहनशाह जी कहकर बुलाते थे, और दादी जगत माता बुद्धवंती जी आशीषों का खजाना लुटा रहे थे। नाना मन्ना सिंह जी व नानी सोमावंती जी भी अपने प्यारे नवासे को गोद में लेकर अति प्रसन्न हो रहे थे। संत हों या सगे संबंधी, सबके हृदय लाखों शुभकामनाएं लिए इस खूबसूरत नूरानी मुखड़े की बस एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे।